स्लैब परिवर्तन के बाद अब यूपी में बिजली दर भी कम हो सकता है। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं का 25,133 करोड़ रुपए पावर कॉर्पोरेशन पर निकल रहा है। ऐसे में नोएडा की तर्ज पर पूरे यूपी में अगले 5 साल तक 7% बिजली दर कम किया जा सकता है। दरअसल नोएडा के 1,56,000 उपभोक्ताओं से 1,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अतिरिक्त वसूली हुई है। ऐसे में नियामक आयोग ने वहाँ 10% बिजली दर कम करने के आदेश दिए हैं। उसी तरह यूपी के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 25,133 करोड़ रुपए निकल रहा है। यूपी सरकार को केंद्र की तरफ से भी पैसा दिया गया था। आपको बता दें कि उस राशि का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। उसी राशि के एवरेज में बिजली दर कम करने की मांग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद पिछले 2 साल से कर रहा है। नियामक आयोग ने जिस तरह से नोएडा मामले में उपभोक्ताओं को राहत दी है, उसी आधार पर कहा जा रहा है कि बाकी प्रदेश में भी बिजली कम हो सकती है। वहीं उपभोक्ता परिषद ने इसको लेकर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से भी गुहार लगाई है। उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के बकाए एवरेज में बिजली दरों में कमी की मांग उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।